नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, कि प्लांट सेल या टिश्यू कैसा बिहेव करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सराउंडेड सॉल्यूशन में। तो ये तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहला होता है, तो फर्स्ट होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल, सेकेंड होता है फ्लैसिड सेल, और थर्ड होता है टर्जिड सेल। तो हम देखते हैं कि तीनों में फ़र्क क्या है और इन तीनों को और भी कौन से दूसरे नामों से जानते हैं हम। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो होता है उसे हम एंडो ऑस्मोसिस भी कहते हैं। इसे हम हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, जबकि फ्लैसिड सेल जो होता है वो आइसोलेटेड सेल होता है कंडीशन, और इसका नेट चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है। टर्जिड सेल जो होता है एक्सो ऑस्मोसिस होता है, और इसे हाइपो टॉनिक कहते हैं। फ्लैसिड सेल में वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल होता है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल में पोटेंशियल प्रेशर जो होता है वो लेस होता है, जबकि फ्लैसिड सेल में पोटेंशियल प्रेशर जो होता है वो ज़ीरो होता है, और टर्जिड सेल में पोटेंशियल प्रेशर जो होता है वो मोर होता है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल का सेल कुछ इस तरह से होता है, इसका सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, जबकि फ्लैसिड सेल का सेल जो होता है वो उसके बराबर में रहता है, इसीलिए इसे आइसोटोनिक कहते हैं। और टर्जिड सेल का मतलब ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे वाटर अंदर आता है, जबकि प्लाज्मोलाइज्ड में वाटर बाहर जाता है, और फ्लैसिड सेल में ज़ीरो होता है।